तो चलते हैं हम अपने क्रोम ब्राउज़र पे। तो फ्रेंड्स क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद हम क्लिक कर दें। फ्रेंड्स क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद यहाँ पे आप यूट्यूब खोलेंगे, चाहे तो आप यहाँ से आइकन पे भी क्लिक करके यूट्यूब के आइकन पे क्लिक करके यूट्यूब ओपन कर सकते हैं। फ्रेंड्स हम सर्च बार में यूट्यूब टाइप करते हैं, youtube.com टाइप करने के बाद फ्रेंड्स हम ओके पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के हमारे सामने आएगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं इंटरफेस इस तरीके का ओपन हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कॉर्नर में फ्रेंड्स आपको 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड, ठीक उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे 3 डॉट्स के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स डेस्कटॉप साइट, जो फ्रेंड्स आपको डेस्कटॉप साइट दिख रहा है इस पर हम ओके कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा इंटरफेस कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस तरीके से ओपन होने के बाद यहाँ पे आपका चैनल का आइकन दिखेगा, आपने जो भी आइकन लगा रखा होगा इस पर आप क्लिक करके बाकी सारी सेटिंग देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपका कमेंट का ऑप्शन है जो घंटे की तरीके से बना हुआ है, वो आप कमेंट वहाँ से देख सकते हैं किन किन लोगों ने आपको कमेंट किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद फ्रेंड्स ये जो डॉट है इस पर आप क्लिक करके साइज ये देख सकते हैं कि यूट्यूब किड्स, यूट्यूब म्यूज़िक, क्रिएटर एकेडमी, यूट्यूब फॉर आर्टिस्ट, सारी चीज़ें। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने वीडियो अपलोड करने। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हम लाइव वीडियो अपलोड करेंगे और उसको जानेंगे कि कैसे हम दूसरे सोशल मीडिया पर अपने वीडियो को शेयर करके व्यूअर बढ़ाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो अपलोड करने के लिए सबसे पहले ये कैमरे के तरीके का जो आइकन दिख रहा है फ्रेंड्स उसको क्रिएट करते हैं फ्रेंड्स, उस पर हम क्लिक करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स उस पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लिक करने के बाद हमें दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक अपलोड वीडियो और दूसरा गो लाइव। फ्रेंड्स गो लाइव, अगर आप कोई चीज़ लाइव रिकॉर्ड करके अपलोड करना चाहते हैं तो आपको लाइव पे क्लिक करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैंने तो पहले से ही रिकॉर्डिंग करके अपने वीडियो को गैलरी में सेव किया हुआ है, तो फ्रेंड्स अपलोड वीडियो पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अपलोड वीडियो पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स हमारा इस तरीके का कुछ स्क्रीन का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम सेलेक्ट फाइल्स जो कि ब्लू कलर में लिखा हुआ है फ्रेंड्स इस पर क्लिक करते हैं। सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का हमारा आइकन आ जाएगा, कैमरा वीडियो रिकॉर्डर फाइल्स। अगर कैमरे से कुछ चीज़ें रिकॉर्ड हुई तो हम कैमरे का यूज़ करेंगे, अगर वीडियो करना है तो वीडियो पे क्लिक करेंगे, या हमें अगर वॉइस रिकॉर्ड करना है तो फ्रेंड्स रिकॉर्डेड वॉइस पे क्लिक करें। फ्रेंड्स अगर आपने कुछ रिकॉर्ड करके रखा हुआ है तो उसके लिए आपको फाइल्स में जाना पड़ेगा, तो फ्रेंड्स हम फाइल्स पे क्लिक करते हैं। फाइल्स पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सारे वीडियो आपके स्क्रीन पे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स आपने जो भी वीडियो आपको अपलोड करना है यूट्यूब पे उसको आप सेलेक्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे पहला वीडियो सेलेक्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स हमारा वीडियो अपलोड हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स देखिए हमारा वीडियो कितना परसेंट अपलोड हुआ है, ये नीचे यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए शो कर रहा है 10%, 12% ये अपलोड हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, जब ये 100% हो जाएगा अपलोड तो फ्रेंड्स आपका लिख देगा प्रोसेस फिनिश्ड। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे समय भी दिखा रहा है, 2 मिनट लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यहाँ पे डिटेल्स आ गया है। फ्रेंड्स आप अपने वीडियो को क्या टाइटल देना चाहते हैं, कुछ बढ़िया सा टाइटल आप अपने वीडियो को दीजिएगा जिससे कि खोजने में आसानी हो वीडियो को। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ अट्रैक्टिव टाइप का वीडियो का नाम रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आ गया आपके वीडियो का डिस्क्रिप्शन, आपका वीडियो किस विषय पे बना है, अपने वीडियो का क्या टाइटल है, या फिर आपने वीडियो के जरिए क्या बताना चाहा है, वो सारी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये थंबनेल है। जब आपका वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा तो जब आप सर्च मारेंगे तो आपका जो वीडियो है
वीडियो का आइकन है वो किस तरीके से यूट्यूब पे शो हो, तो वो थंबनेल फ्रेंड्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये प्लेलिस्ट है, अगला प्लेलिस्ट है फ्रेंड्स, आप अपने इच्छा अनुसार कैटेगरी वाइज यहाँ से क्रिएट प्लेलिस्ट पे क्लिक करके प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये ऑडियंस, इज दिस वीडियो मेड फॉर किड्स, तो फ्रेंड्स अगर आप वीडियो बच्चों के लिए बनाते हैं तो यस इट मेड फॉर किड्स इस पर क्लिक करिए, नहीं तो फ्रेंड्स नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपने वीडियो के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप बच्चों के लिए तो फर्स्ट ऑप्शन, नहीं तो सेकंड ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एज रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि फ्रेंड्स ये अगर आपका वीडियो 18 साल के ऊपर के लिए तो आप सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक करिए, नो डोंट रिस्ट्राइक माई वीडियो टू व्यूअर्स ओवर 18 ओनली। और अगर आपका वीडियो 18 साल के ऊपर वाले ही बस देख सकते हैं, नीचे वाले नहीं, तो आप फ्रेंड यस पे कर दीजिए, यस रिस्ट्राइक माई वीडियो टू व्यूअर्स ओवर 18। फ्रेंड्स अगर आप पहले पे क्लिक करते हैं तो आपका जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं वही देख पाएंगे, नीचे वाले नहीं देख पाएंगे। और अगर आप सेकेंड वाले पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अगर आप सेकंड वाले पे क्लिक करते हैं, तो फ्रेंड्स अगर आप सेलेक्ट सेकंड वाले पे क्लिक करते हैं तो आपका वीडियो सब लोग देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वन मिनट फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, एक मिनट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड मोर ऑप्शन में क्लिक करेंगे फ्रेंड, उसके बाद ये पेड प्रमोशन टैग्स फ्रेंड्स, टैग्स कैन बी यूजफुल टू कंटेंट इन योर वीडियो इज कॉमनली मिसस्पेल्ड, अदरवाइज टैग्स प्ले एन मिनिमम रोल टू हेल्पिंग व्यूअर्स टू फाइंड योर वीडियो। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ इसमें टैग करना है अपने वीडियो को कि फ्रेंड्स आपका वीडियो किस किस नाम से सर्च किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, उस हिसाब से आप इसमें टैग करके लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है टैग। अब अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स सेलेक्ट लैंग्वेज, वीडियो का लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना। फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करें, आपको ये ढेर सारे भाषाएं दिखेंगी, आप जिस भी कंट्री से हैं फ्रेंड्स उस हिसाब से आप लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हिंदी से हूँ तो फ्रेंड्स हिंदी सेलेक्ट करता हूँ। सर कैप फ्रेंड्स कैप्शन सर्टिफिकेट, फ्रेंड्स कैप्शन की मतलब कि ये आपने कहाँ से टीवी से लिया या कैसे, तो फ्रेंड्स ये बाई डिफ़ॉल्ट नॉन ही रहता। ठीक है फ्रेंड, उसको नॉन रहने दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप देख लीजिए, सब देख लीजिए। नॉन पे क्लिक करने के बाद दी कॉन्टेंट हैज नेवर एयर टू टेलीविजन इन द US, कॉन्टेंट हैज ओनली एयर टू टेलीविजन इन द US विदाउट कैप्शन, दिस कॉन्टेंट हैज नॉट, ये हम पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, और ये रिकॉर्डिंग डेट, यहाँ से फ्रेंड्स आप अपने रिकॉर्डिंग का डेट डाल सकते हैं कि आपने अपने वीडियो किस दिन रिकॉर्ड किया हुआ है, वो डेट आप डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद यहाँ पे ये कैप्शन सर्च, ये वीडियो लोकेशन है, आप यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, सर्च जो आप जिस भी लोकेशन से इसको डालना चाहते हैं वो आप लोकेशन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड यहाँ से आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं मोर ऑप्शन में जाकर। उसके बाद फ्रेंड्स ये आपका लाइसेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रेंड्स आपका अगर स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस करते हैं तो आपका वीडियो कोई भी डाउनलोड कर सकता है और कहीं पे भी अपलोड कर सकता है सोशल मीडिया पे। और फ्रेंड्स अगर आप क्रिएटिव कॉमर्स एट्रीब्यूशन कर देंगे तो आपका वीडियो कोई भी डाउनलोड नहीं कर पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
और ये बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ एम्बेडिंग, और ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक रहता है। ये आप किसके लिए बना रहे हैं फ्रेंड्स, ये पीपल एंड ब्लॉक्स या किस चीज़ से आधारित है, इंटरटेनमेंट है या स्पोर्ट्स है, बच्चों के लिए, किड्स के लिए क्या है, ये आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं और कमेंट एंड रेटिंग फ्रेंड आप यहाँ से कर सकते हैं। कमेंट कौन कौन कमेंट कर सकता है या कमेंट को डिसेबल इनेबल सब चीज़ें कर सकते हैं। ये आप जो वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं वो सभी आपने जो अपलोड वीडियो उसके नीचे जाए या उसके ऊपर जाए, टॉप पे हो या नीवेस्ट है क्या, ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ से सेकेंड ऑप्शन में, ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पे फ्रेंड साइज ये करें, हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो आपका ये सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड ऑप्शन पे जाने के बाद इसको आप कुछ नहीं करना, इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। उसके बाद आप तीसरे ऑप्शन फिर यहाँ से नेक्स्ट करिए, ये नेक्स्ट का ऑप्शन दिया है, बैक और नेक्स्ट, नेक्स्ट बैक करके आप फर्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं, नेक्स्ट कहेंगे तो आप थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप थर्ड स्टेप देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सेव और पब्लिश, अगर आपने वीडियो मेक योर पब्लिक वीडियो यू इनस्टेड और प्राइवेट, फ्रेंड्स अगर आपने वीडियो खुद के लिए बनाया है, ओनली यू एंड पीपल हु यूज चूज कैन वॉच योर वीडियो, फ्रेंड्स आप प्राइवेट कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और एनी वन वीडियो लिंक कैन वॉच योर वीडियो फ्रेंड, ये अगर कोई भी आप वीडियो जो भी आप अपलोड कर रहे हैं उसका लिंक सबको दिखे तो आप यूनिस्टेड पे क्लिक कर दीजिए, ये सेकेंड वाले ऑप्शन पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो भी वीडियो आपका रहेगा उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और पब्लिक, पब्लिक पे क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स तो एवरीवन कैन वॉच योर वीडियो। फ्रेंड्स आपको पब्लिक पे क्लिक करना है जिससे कि आपकी वीडियो पब्लिश हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, पब्लिक से क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सेव कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, पब्लिक सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे नीचे बैक के पास में फ्रेंड्स ब्लू कलर का लिखा हुआ है पब्लिश, इस पर फ्रेंड्स हम क्लिक कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये वीडियो फ्रेंड्स पब्लिश हो जाएगा, ये फ्रेंड्स प्रोसेस हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमने अभी आगे लिंक कॉपी किया हुआ था ये फ्रेंड्स वही लिंक यहाँ पे फिर से आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से फ्रेंड्स इस लिंक को हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लिंक यहाँ से कॉपी करके फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉगर, रेडिट या फ्रेंड्स आप कोई और सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे तो फ्रेंड्स इसको आप वहाँ पे वीडियो का लिंक दे के फ्रेंड्स वहाँ से आप व्यूवर बढ़ा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ से व्यूवर्स आपके बढ़ जाएंगे फ्रेंड्स, ये आपका वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स।